दिल्ली स्टेट के राजनीतिक माहौल में आज फिर से एक बार हलचल हुई है और इस हलचल का कारण दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस में बुक दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अब काफी लंबे समय से तिहाड़ जेल में कस्टडी में है। सिर्फ यही नहीं, आए दिन स्कैम के चलते कई केसेस दिल्ली चीफ मिनिस्टर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोर्ट में फाइल किए हैं अपनी अपनी रिक्वेस्ट को पूरा करवाने के लिए। हालांकि कुछ केसेस का फैसला हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है और उनपे वर्डिक्ट आना बाकी है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी 25 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई थी, जिसके चलते उन्हें कुछ और दिन जेल में रहना पड़ा था। लेकिन आज ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस कस्टडी पर एक और बड़ा फैसला लिया है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिजर्व्ड एक वर्डिक्ट इन प्ली फाइल पर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी आ चुका है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अपडेट्स हैं जो लीकर पॉलिसी स्कैम को लेकर आज एक के बाद एक देखने को मिले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने एक प्ली फाइल की थी, जो कोर्ट से उनकी लीगल टीम के साथ दो और एडिशनल मीटिंग की रिक्वेस्ट करती थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रीवियस हियरिंग में काफी आर्ग्यूमेंट सुने थे और अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। तो आपको बता दूं कि इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए कहा है कि स्पेशल सिचुएशन कॉल फॉर स्पेशल रेमेडीज। कोर्ट ने केस में ऑर्डर देते हुए कहा है स्पेशल सिचुएशन कॉल फॉर स्पेशल रेमेडीज, इसीलिए ये माना जाता है कि फेयर ट्रायल और इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन के फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करते हुए पिटीशनर को हर वीक में दो एडिशनल लीगल मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जाए जब तक वो जेल में है। पिटीशन अकॉर्डिंगली अलाउ की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिल्ली चीफ मिनिस्टर के फेवर में पास किया है, लेकिन हियरिंग के वक्त तिहाड़ जेल के काउंसिल और ईडी काउंसिल ने भी इस प्ली में बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट के काउंसिल ने सबमिट किया था कि रूल 585 ऑफ दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 सिर्फ दो लीगल मीटिंग्स अलाउ करता है जो ऑलरेडी पिटीशनर को अलाउड है और कोई इंडल्जेंस नहीं दिखाया जा सकता। प्रिजन अथॉरिटी के काउंसिल ने कहा था कि पिटीशनर ने जो दो एडिशनल मीटिंग्स मांगने के रीजन दिए हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। ही इवन एडेड दैट दे पिटीशनर हैव सेड इन द एप्लीकेशन दैट 30-35 केसेस आर पेंडिंग ऑल ओवर इंडिया। देयर आर प्रिजनर्स who have more than 100 cases and are languishing in custody. Even they are getting the facility of only two legal interviews in a week and they too are managing their cases. यहाँ तक कि ईडी के एडवोकेट जोहेब हुसैन ने भी हाई कोर्ट में चीफ मिनिस्टर की एप्लीकेशन को अपोज करते हुए कहा था कि पिटीशनर को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो एक्साइज पॉलिसी से लिंक्ड है ऑन जुलाई 12th, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रेगुलर बेल, और इसीलिए प्रेजेंट एप्लीकेशन अब सर्वाइव नहीं करती। उन्होंने हाईकोर्ट में ये भी रिवील किया था कि पिटीशनर ने अपनी लीगल मीटिंग्स को एलिजली मैसेजेस भेजने के लिए मिसयूज किया है दूसरे मिनिस्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। पर लगता है कि हाईकोर्ट ने यहाँ केजरीवाल के सबमिशंस में ज्यादा दम देखा और उन्हें दो और एडिशनल लीगल मीटिंग्स अलाउ की है। एक और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के लिए ये खुशी की बात है, लेकिन दूसरी ओर एक और खबर जिसने उनकी ये खुशी कम कर दी है वो ये है कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने थर्सडे यानी कि 25 जुलाई को चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर दी इन मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस रिलेटेड टू लीकर पॉलिसी स्कैम। स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने केजरीवाल की कस्टडी एक्सटेंड कर दी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रॉप कर रहा है टिल 31 जुलाई, जबकि उनकी जुडिशियल कस्टडी इन अ करप्शन केस जो सीबीआई ने लॉन्च किया है एक्सटेंड कर दी गई है टिल 8th ऑफ अगस्त। जज ने आम आदमी पार्टी लीडर और फॉर्मर दिल्ली डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति लीडर के कविता और दूसरे एक्यूज की जुडिशियल कस्टडी को भी 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस। सभी एक्यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कोर्ट में अपेयर हुए थे। तो आपने देखा कि कैसे आजकल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए खुशी और दुख दोनों ही इमोशंस एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि एक न्यूज ये भी आ रही है कि इंडिया ब्लॉक की ऑपोजिशन पार्टीज 30 जुलाई को जंतर मंतर में एक रैली करेंगी दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की डेटेरेटिंग हेल्थ को लेकर जो तिहाड़ जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक का मेंबर है ने ये दावा किया है कि बीजेपी ने जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश रची है। उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट को कोट करते हुए दिखाया है कि उनका शुगर लेवल 3 जून से 7 जुलाई के बीच 26 बार गिरा है। आप तो जानते हैं कि केजरीवाल की हेल्थ आम आदमी पार्टी और उनकी अलाइंस के लिए एक कंटेंशियस इशू रहा है। उन्होंने बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजीवी के सक्सेना पर केजरीवाल की लाइफ को इंडेंजर करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंतर
पर एक बड़ी रैली करेगी केजरीवाल की गिरती हेल्थ के मुद्दे को उठाने के लिए। आपको बता दूं कि अथॉरिटीज ने अब तक इन एलिगेशंस और प्लान रैली पर रिस्पांस नहीं दिया है और ये रैली उन्हें ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेशर डालने का एम रखती है रिगार्डिंग केजरीवाल मेडिकल कंडीशन। थोड़ा रिकॉल करवाते हुए आपको बता दूं कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मार्च 21 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो अब स्क्रैप दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से लिंक्ड है। 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया जो उन्हें ईडी केस में बेल ग्रांट कर रहा था। 26 जून को केजरीवाल ने अपनी प्ली सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ की जो हाई कोर्ट के डिसीजन को रिजर्व करने पर थी ऑन द ईडी प्ली टू स्टे द ट्रायल कोर्ट बेल ऑर्डर। 25 जून को ही केजरीवाल से सीबीआई ने तिहाड़ जेल में क्वेश्चन किया जब वो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुडिशियल कस्टडी में थे। अगले दिन यानी कि 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को फॉर्मर अरेस्ट में लिया करप्शन केस में और उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अमिताभ रावत के सामने प्रेजेंट किया। एजेंसी ने उनकी 5 दिन की कस्टडी मांगी ताकि उन्हें कॉन्स्पिरेसी केस से लिंक्ड एक्साइज पॉलिसी में एविडेंस के साथ कन्फ्रंट कर सके। जज रावत ने चीफ मिनिस्टर को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा और कहा कि उनके अरेस्ट इलीगल नहीं है और एजेंसी को ओवर जेलस नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कस्टडी जैसे कि हमने आपको बताया कि अब 8 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। अब इतना सब होने के बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर बस इंतजार कर रहे थे तो कोर्ट्स की समर वेकेशंस ओवर होने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ईडी अरेस्ट को चैलेंज करने वाली उनकी पिटीशन पर अपना वर्डिक्ट सुनाने वाला था जो उन्होंने वेकेशन से पहले रिजर्व कर रखा था। जुलाई 12 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक खुशी देते हुए इंटरिम बेल ग्रांट की। बेल ग्रांट करते वक्त जस्टिसेस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कुछ क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच के लिए रेफर किए रिगार्डिंग अरेस्ट की नीड और नेसेसिटी को लेकर। हालांकि ईडी अरेस्ट में इंटरिम बेल मिलने के बावजूद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अब भी जेल में है क्योंकि सीबीआई केस में उनकी प्ली पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है। पर जैसा कि पिछले वेडनेसडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर भी अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करते हुए इन द प्ली फाइल बाय जेल्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल चैलेंजिंग हिज अरेस्ट एंड रिमांड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द एक्साइज पॉलिसी केस, हाईकोर्ट ने कहा कि वो केजरीवाल की इंटरिम बेल की प्ली पर भी अपना ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। अब क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों इस केस को प्रॉप कर रही हैं, इसी बीच केजरीवाल ने एक प्ली मूव की थी जिसमें उन्होंने जेल में रहते हुए अपने लॉयर्स के साथ ज्यादा मीटिंग्स की परमिशन मांगी थी, लेकिन स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने प्ली रिजेक्ट कर दी थी। जज बवेजा ने नोट किया था कि केजरीवाल ने इससे पहले भी सिमिलर प्ली मूव की थी जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। ट्रायल कोर्ट से प्ली रिजेक्ट होने के बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे जिन्होंने अब उनकी प्ली को अलाउ कर दिया है, ये कहते हुए कि केजरीवाल सिर्फ अपने फेयर ट्रायल और लीगल कंसल्टेशन के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ अलग अलग स्टेट्स में 30 से 40 केसेस हैं। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कंक्लूड किया कि इस तरह के ऑब्जेक्शंस सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं जो मेरिट नहीं रखते। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में ये भी कहा है कि इस फंडामेंटल राइट को सिर्फ एक पर्टिकुलर केस तक सीमित रखना और हर केस में इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन इंसिस्ट करना एक मायोपिक व्यू लेना है और इसे सिमिलर रिलीफ्स के मल्टीपल केसेस एजर्ट होने लगेंगे। एक्चुअली ये अटर कंफ्यूजन लीड करेगा अगर इस रिलीफ को एक इंडिविजुअल केस की तरह देखा जाए और इंडिविजुअल पर्सन की तरह नहीं। पिटिशनर को हर केस में इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन मूव करने को कहना डिले कॉज करेगा और इनडायरेक्टली उन्हें इफेक्टिव लीगल हेल्प का राइट डिनाई करने जैसा होगा। आपको बता दूं कि वैसे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एडिशनल लीगल मीटिंग्स पर अपना ऑर्डर दे दिया है, लेकिन कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट फॉर इंटरिम बेल पर भी अब तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। हालांकि सीबीआई केस में रेगुलर बेल हियरिंग के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 जुलाई की डेट फिक्स की है फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या और भी फैसले दिल्ली चीफ मिनिस्टर के फेवर में आ सकते हैं या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोई एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स।